यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आज के इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए पूज्य स्वामी रितस्पति जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी विद्वद्गण, सुदूर समग्र भारत देश से आए हुए आर्य सज्जनों, मातृशक्ति, आत्मा का उत्थान, इस शब्द से क्या अभिप्रेत है तो उसको स्मरण करने के लिए हम इस पंखे को भी याद कर सकते हैं। ये पंखा एक समय में नीचे था, एक कुशल कारीगर ने उसको एक स्थान पर बिठाया, वो उत अर्थात ऊपर की ओर स्थिर हो गया। अब कुछ भी हो, यदि ये पंखा यहां टिका रहता है तो समझना चाहिए कि पंखा का उत्थान हो गया। आत्मा शरीर के साथ जुड़ करके माता पिता की कृपा से पशु पक्षी के रूप में जब जन्म लेती है तो परमात्मा ने, प्रकृति ने उसकी आत्मा को एक ऊंचाई पर स्थिर करके रख दिया है। गाय की आत्मा का उत्थान प्रकृति ने और प्रभु ने किया हुआ है, कुत्ते बिल्ली की आत्मा का भी ऐसा ही है, छोटे से छोटे प्राणी की भी स्थिति यही है। पर मनुष्य के आत्मा की स्थिति उस गेंद की तरह है जो कभी नीचे जाती है कभी ऊपर जाती है। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा धर्म कार्य करते हुए ऊपर की ओर उठता है और अधर्म के कार्य करते हुए नीचे की ओर जाता है। जो आत्मा धर्म के कार्यों को करते हुए एक बार जिस ऊंचाई पर पहुंच गया वहां वो ठहरा रहे, ध्रुव हो जाए, स्थिर बन जाए तो समझना चाहिए कि आत्मा का उत्थान हुआ। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके हृदय में दया का भाव न हो, पर ये दया का भाव किसी एक प्रसंग में, किसी एक संदर्भ में 5 इंच 7 इंच ऊपर उठता है और फिर वापस धरातल पर चला जाता है। इसको आत्मोत्थान नहीं कहते। आत्मोत्थान का मतलब यह है कि एक बार हम दया भाव की दृष्टि से 2 इंच ऊपर आए तो अब हमको 2 इंच से नीचे नहीं जाना है, हमें प्रयत्न करना है हम तीसरे इंच की तरफ आगे बढ़े और ऊपर उठते चले, और ऊपर उठते चले। मनुष्य के आत्मा की स्थिति है कि वो धर्म कार्य करते हुए भी ऊपर उठता है पर ऊपर उठ करके उसकी स्थिति स्थिर नहीं बनती। इसलिए देखिए, यजमान जब धर्म कार्य कर लेता है हवन का तो उसको आशीर्वचन देने के लिए वेद के एक मंत्र का पाठ किया जाता है, ध्रुवासी ध्रुवोयम यजमानो अस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिर् भूयात्। इस मंत्र की पूरी व्याख्या नहीं करनी है पर इस मंत्र में अयम यजमान ध्रुव ऐसा बोला गया, यह यजमान स्थिर है,
स्थिर का मतलब आज उसने धर्म कार्य करके धरातल से थोड़ा उत्थान प्राप्त किया है, अब जिस स्थान पर वो पहुंचा है उससे वो नीचे नहीं गिरेगा, उससे वो नीचे नहीं उतरेगा। और यजमान पुरोहित से ये चाहता है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं धर्म कार्य करके करते हुए आज जितना ऊंचा उठा हूं उससे नीचे न गिरूं, और ऊंचा उठूं नीचे न गिरूं। प्रभु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, विद्वानों की प्रेरणा से, स्वयं के यत्न से धर्म कार्य करते हुए यदि हम किसी जगह पर पहुंच गए, किसी ऊंचाई तक हम पहुंच गए, तो वहां ठहरे रहना है और अपने कर्तव्य कर्म को निभाते रहना है। आज इस पंडाल में पंखे के धर्मगुरु ने पंखे को एक ऊंचाई पर स्थिर कर दिया है। जब तक ये कार्यक्रम चलेगा पंखे का उत्थान निश्चित है, पर यदि इस पंखे का पतन हो जाए तो ये पंखा हमारे लिए दुख देने का कारण बनता है। मान लो ये पंखे का जन्म है इस हॉल में, इस जन्म में इलेक्ट्रिशियन ने, डेकोरेटर ने एक हाइट पर उसको फिक्स कर दिया है, इसलिए हम पंखे को कहेंगे ये पंखा ध्रुव है, और यही ध्रुवता इस पंखे से सुख प्राप्त करने का निमित्त है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के आत्मा को भी जब जब धर्म कार्य करते हुए ऊपर उठने का मौका मिलता है तो फिर उसे यत्न करना पड़ता है कि जितना वो ऊंचा उठ गया उससे वो नीचे नहीं गिरे। मनुष्य का यह स्वभाव है कि कभी कभी हृदय के अंदर धर्म के भावों का, धर्म के भावों की बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी धर्म के भावों का दुष्काल पड़ जाता है। ये जो द्विविध स्थिति है, इस स्थिति से बाहर निकलना और धर्म की भावना को एक रूप रखना, इसी का नाम आत्मोत्थान है। हिंसा अहिंसा की बात हो, दान लेने देने की बात हो, ज्ञानार्जन करने की बात हो, पुण्यार्जन करने की बात हो, हर धर्म कार्य के साथ हमें एक ऊंचाई पर पहुंचना है, और उस ऊंचाई पर पहुंच करके फिर गिरे नहीं, नीचे उतरे नहीं, इसके लिए भी प्रयत्न करना है। दुनिया बनी तब से भोजन की दृष्टि से गाय का कोई पतन नहीं हुआ, कुत्ते बिल्ली चूहे का कोई पतन नहीं हुआ। हजारों वर्ष पहले वो जो भोजन खाती थी वही भोजन आज कर रही है। पर मनुष्य के आत्मा को देखिए, भोजन में भी उसका पतन हो गया है। होना ये चाहिए कि किसी साधु संन्यासी ने हमको उपदेश दिया, माता पिता ने हमको शिक्षा दी कि शाकाहार हमारे जीवन का व्रत होना चाहिए, तो अब शाकाहार की स्वीकृति रूपी एक ऊंचाई पर हम पहुंच गए तो वहां से हम गिरेंगे नहीं। चाहे कितनी भूख लगी हो, चाहे कितना आकर्षक स्वादिष्ट पदार्थ हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई देखने वाला हो कि कोई देखने वाला न हो, पर हम उस व्रत को निभाएंगे तो समझना चाहिए कि हमारे आत्मा का उत्थान हुआ है। आज इस सुंदर तपस्थली में आकर के हम भी एक इंच, दो इंच, चार इंच थोड़े ऊपर उठे हैं,
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जितना भी हम धर्म कार्य करते हुए ऊपर उठे हैं, हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहे। ध्रुवासी ध्रुवोयम यजमानो अस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर् भूयात्, ये मंत्र हमारे विद्वानों के मुंह से हमारे कान में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, साधु संन्यासियों के मुखारविंद से आशीर्वाद के रूप में इस मंत्र को सुनने का हमें सौभाग्य हो, और प्रभु की कृपा से एक बार हम धर्म कार्य करते हुए जिस ऊंचाई पर पहुंच गए, प्रयत्न करके उस ऊंचाई को हम मेंटेन करेंगे। इस व्रत के साथ, इस प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करने की कामना के साथ, आप सब लोगों के लिए भी मैं शुभेच्छा देता हूं कि परमपिता परमात्मा हमें धर्म कार्य करते हुए आत्मा के उत्थान के सौभाग्य के अनुभव का अवसर दें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करते हुए विराम लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री डॉक्टर कमलेश कुमार शास्त्री जी का, इन्होंने हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी।